मैं अगले एक मिनट में जो आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपकी और आपके परिवार की जिंदगी नर्क बनने से बचा सकता है। ममता ने 2011 में आरक्षण में 71 ओबीसी जातियों को जोड़ा और इन 71 जातियों में 65 मुसलमानों की जातियां थी और सिर्फ 6 हिंदुओं की, और ये सिलसिला यही निधम तक। कैटेगरी ए में फिर से 81 जातियां जोड़ी जाती हैं, यानी 81 जातियां, और जिसमें से 73 जातियां मुसलमानों की होती हैं और हिंदुओं की सिर्फ 8, और ये सिलसिला 13 सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। मतलब 27% मुसलमान और 179 ओबीसी जातियों में उनका हिस्सा 118 यानी 66%, और हिंदू जिनकी आबादी 70% है उनका हिस्सा सिर्फ 34। इंडी अलायंस ने जाति जनगणना से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरक्षण तक इनकी नियत पिछड़े वर्ग को कभी आगे लाने की थी ही नहीं, ये बात साफ कर देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, हाल ही में इनकी टीम के कैप्टन ने ये बात अपने मुंह से खुद कही है, सुनिए। सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। आज हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 13 सालों में जारी किए गए ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के ओबीसी सर्टिफिकेशंस को रद्द कर दिया है, और ममता दीदी को न्यायालय का ये फैसला किसी तमाचे से कम नहीं लगा है। अहंकार में डूबे ये लोग जो मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं वो ये ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे। যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। পিএম মোদি নে ভি সাফ সাফ এলান কিয়া হে কি জব তক ও জিন্দা হ্যায় ধর্ম কে আধার পর আরক্ষণ নহীঁ আনে দেঙ্গে, আর উনকে জিতে জি ওবিসি এসসি এসটি কা আরক্ষণ কা হক কোই নহীঁ ছিন সকতা। আব ইন সারি বাতোঁ কো হটা কে मैं अगर व्यक्तिगत रूप से जब सोचता हूँ कि क्यों आए दिन हमें बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार की खबरें आती रहती हैं, क्यों बंगाल की हिंदू आबादी डर में जी रही है, चाहे वो चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा दलित पिछड़ों के घर जलाने की बात हो या संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार की बात हो, ये इंडी अलायंस केंद्र सरकार को कानून का हत्यारा कहती है और खुद को संविधान का पुजारी बताते हुए नहीं थकती, तो बस मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो सच में कानून के हत्यारे होते तो 40 साल से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए संवैधानिक लड़ाई क्यों करते। ममता जी ने तो तुरंत कह दिया कि वो कोर्ट का निर्णय नहीं मानेंगी, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी का तो पूरा इरादा है राम मंदिर के फैसले को वापस करने का यदि वो सरकार में आते हैं। अब इस चुनाव में वोट देने से पहले ये फैक्ट्स, संदेश खाली के उन घरों की बेटियों और पतियों के चेहरे और दलित भाई बहनों की उस तकलीफ को जरूर याद रखें।